हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ नई 2024 बजाज पल्सर N150 का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बदलाव की। तो यहाँ पर आपको लुक्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे 2024 मॉडल में। N150 फ्रंट में कुछ ऐसी प्रोफाइल देती है जो कि N160 और N250 जैसी लगती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, DRL है और स्टिकर्स देखने को मिलते हैं आपको। मस्कुलर सा डिज़ाइन है फ्रंट में। बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है और डबल लेयरिंग के साथ है। यहाँ पर आपको ABS की बैजिंग मिल जाएगी और बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिल जाता है आपको। स्टिकर्स भी मिलते हैं इसके ऊपर। फोक सील गार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि हर एक बाइक में आना चाहिए। टैंक के श्रॉड्स यहाँ तक आते हैं। इसके ऊपर स्टिकर्स अच्छे मिलते हैं। ब्लैक कलर का टैंक है, इसके ऊपर ग्रे कलर के स्टिकर्स मिलते हैं। वाइट एंड रेड कलर के स्टिकर्स हैं, नीचे तक ये जाते हैं। और यहाँ पर इंजन आता है, साथ ही साथ पल्सर की बैजिंग यहाँ आती है। 3D में एम्बलम है इसका, आप देख सकते हैं। और ब्रेक्स है ये। और यहाँ पर आपको टैंक अच्छा मस्कुलर देखने को मिलता है। कार्बन फाइबर जैसा यहाँ पर आपको फाइबर पार्ट मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर किक आता है, इंजन गार्ड यहाँ है और इसके नीचे आपको बेली पैन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर भी स्टिकर्स आते हैं बॉडी कलर्ड। बाकी आपको अलॉय व्हील डिज़ाइन सबसे अलग मिलता है इसके अंदर। रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको मेन स्टैंड मिलेगा, अंडर बिली एग्जॉस्ट है ये, अंदर रहता है ये। और यहाँ पर आपको फुट पैक मिलते हैं पिनियन के लिए। पीछे मोनोशॉक है और यहाँ पर बड़ा सा टायर आता है और पीछे मफलर और टायर हगर। रियर फेंडर आपको देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन ऐसा मिलता है, N150 की बैजिंग है। टेल लाइट का डिज़ाइन भी आपको N160 जैसा मिलता है इसका, देख सकते हैं। बड़ा सा मडगार्ड और टेल टाइडी यहाँ पर आती है। क्वालिटी लेवल्स अच्छे मिलते हैं आपको इस बाइक के। और सीट की बात करें तो लंबी चौड़ी सीट मिलती है आपको अच्छी, देख सकते हैं। सिंगल पीस सीट है और कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखता है इसके टैंक का। E20 की बैजिंग मिलती है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मीटर की। यहाँ मिलता है आपको सेमी डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT और क्लॉक मिलती है। M और S का बटन मिलता है। RPM लिमिट है, ABS इंडिकेटर है, न्यूट्रल लाइट है, इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाती है। टैकोमीटर एनालॉग में मिलता है आपको। और एक बार ऑन करूँगा मैं आपको स्टार्टिंग सीक्वेंस बताने के लिए। ऑडोमीटर ट्रिप 1, ट्रिप 2, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, AFE1, AFE2, डिस्टेंस टू MT यहाँ बताता है। और इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑडोमीटर 71 किलोमीटर और ट्रिप ए, ट्रिप बी और यहाँ पर डिस्टेंस टू MT। और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देख सकते हैं। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर है। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न, अच्छा लाउड हॉर्न आता है इसके अंदर। और यहाँ पर बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं आपको, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है स्विचेस में। रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, पीछे की पूरी रोड दिखती है इन रियर व्यू मिरर में। बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है पहले जैसा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेम देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर। और फीचर्स भी सेम आते हैं और चाबी इसकी कुछ ऐसी आती है। अब बात करें इसके सीट कंफर्ट की, तो यहाँ मिलती है आपको लंबी चौड़ी सीट, वेल कुशन है इसकी सीट। 790 mm की इसकी सीट हाइट है और 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच वाले बंदे भी आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। यहाँ पर राइडर के लिए अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट मिलती है। पिलियन के लिए भी अच्छी खासी कंफर्टेबल सीट मिलती है, साथ ही साथ साड़ी गार्ड मिलता है और लेडीज़ के लिए फुटपैक मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफर्ट लेवल को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट आपको देखने मिलती है सीट कंफर्ट। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर वाली मिलती है जो कि LED है। टेल लाइट भी आपको LED मिलती है। इसके अंदर सिर्फ इंडिकेटर हैं जो हैलोजन वाले आते हैं, बाकी आपको ऑल LED सेटअप मिलता है बिना इंडिकेटर के। LED सेटअप मतलब हेडलाइट और टेल लाइट दोनों LED। और इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है बेस्ट इन द सेगमेंट है, अच्छा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। और इसके DRL भी आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ कुछ ऐसा आता है, गाड़ी को ऑन करेंगे तो देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन आता है और अच्छा लगता है इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, नॉर्मल से हैं लेकिन फोक सील गार्ड रहने की वजह से यहाँ पर क्या है, फोक सील टूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में मोनोशॉक मिलता है आपको। पल्सर के 150 सीरीज़ में सिर्फ इसके अंदर मोनोशॉक आता है और यहाँ पर मोनोशॉक आपको अच्छा मिलता है। कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करने में सस्पेंशन सेटअप का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप बढ़िया मिलते हैं N150 पल्सर में। अब बात करें ब्रेक्स की, तो आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है। सामने आपको 260 mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS की बैजिंग यहाँ है। और पीछे मिलता है आपको 130 mm का ड्रम।
यहाँ पर आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब डुअल डिस्क वेरिएंट नहीं आता इस बाइक में। डुअल डिस्क आता तो और अच्छा होता है। यहाँ पर आपको ABS मिलता है, सिर्फ सिंगल चैनल ABS है, पीछे ABS नहीं मिलता, सिर्फ सामने ABS मिलता है। अब बात करें टायर्स की, तो फ्रंट में आपको देखने मिलता है 9017 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर आपको फ्रंट में 90 सेक्शन का टायर मिलता है, यूनिकॉर्न से मोटे टायर है इसके अंदर। और पीछे की बात करूँ तो पीछे 120 सेक्शन का टायर मिलता है, 120/80/17 इंच का अलॉय व्हील। यूनिकॉर्न से आपको मोटे टायर देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर, और एज कम्पेयर टू पल्सर 150 ट्विन डिस्क उतने ही टायर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको टायर्स अच्छे मोटे मिल जाते हैं पल्सर N150 में एज कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। बाकी FZ से पतले आते हैं इसके टायर्स। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ मिलता है आपको 150 सीसी का न्यू मोटर जो कि है 4-स्ट्रोक 2-वाल्व V6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इससे आपको मैक्स पावर देखने मिलती है 14.5 PS की, और मैक्स टॉर्क मिलता है 13.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, और इसके अंदर किक भी आता है। अब यहाँ आपको पावर फिगर्स बहुत बढ़िया मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और एज़ कम्पेयर टू FZ। यहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिलती है FZ से और यूनिकॉर्न से। टॉर्क भी आपको अच्छा मिलता है, लेकिन यूनिकॉर्न से थोड़ा कम आता है इसका टॉर्क, क्योंकि यूनिकॉर्न में 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, इसके अंदर आपको 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, आधा न्यूटन मीटर टॉर्क इसके अंदर कम आता है यूनिकॉर्न के कंपेयर में। लेकिन यूनिकॉर्न से ज़्यादा पावर मिलती है आपको, यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न से ज़्यादा पावर मिलेगा। जैसे इनिशियल पिकअप अच्छा मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर, और इसका मिड रेंज का पिकअप ज़्यादा आता है यूनिकॉर्न के कंपेयर में। और पल्सर 150 सिंगल डिस्क ट्विन डिस्क से भी ज़्यादा आपको पिकअप इस बाइक से मिलेगा। तो यहाँ पर पिकअप बढ़िया मिलता है 150 सीसी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की माइलेज की, तो आपको 45 से 50 का माइलेज मिलता है इस बाइक से। सिटी में 45 और 48 तक मिलेगा, हाईवे पर 50-52 तक मिलेगा इस बाइक का माइलेज। तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है पल्सर N150 से। डिज़ाइन जितना स्पोर्टी है वैसे प्रैक्टिकल चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प होगा, या फिर माइलेज होगा, पिकअप होगा, और मोनोशॉक सिस्टम, अंडर बेली एग्जॉस्ट भी अच्छा मिलता है इसका आपको। साउंड मैं आखिर में सुनाऊंगा। अब बात करें डायमेंशंस की, तो आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है 14 लीटर की, जो कि यूनिकॉर्न से भी ज़्यादा है और FZ से भी ज़्यादा है। कंपटीशन में आपको अच्छी बड़ी टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और बात करें ओवरऑल वेट की, तो यहाँ पर ओवरऑल वेट मिलता है आपको 145 kg का, जो कि थोड़ा हेवियर साइड है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। बट पल्सर 150 से कंपेयर करें तो 3-5 kg कम आती है ये बाइक। तो यहाँ पर आपको वेट भी अच्छा मिलता है इस बाइक का। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर आप ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा कम मिलता है, अगर बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो अंडर बेली को मार लग सकता है, तो ये बात याद रखना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उद्गीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर N150 की ऑन रोड प्राइस है 146,300 रुपये। 146,300 रुपये में आपको क्या क्या अच्छा मिलता है, पहले अपन साउंड सुनेंगे इस बाइक का। इंजन स्विच ऑन, जैसे कि गाइज आपने इसका साउंड सुना, आपको साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस बाइक का साउंड आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगता है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर आपको स्मूथनेस बहुत बढ़िया मिलती है, वाइब्रेशंस ना के बराबर मिलते हैं इसके इंजन से। तो यहाँ पर आपको रिफाइंड इंजन मिलता है पल्सर N150 का, और 146,300 रुपये में क्या क्या अच्छा मिलेगा। पहली चीज़ परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, दूसरी चीज़ आपको क्वालिटी लेवल्स अच्छे मिलेंगे, तीसरी चीज़ लुक बढ़िया मिलेगा, और चौथी चीज़ रहेगी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और पाँचवीं चीज़ देखने मिलता है कम्फर्ट लेवल, और छठी चीज़ कहूँगा अंडर बेली एग्जॉस्ट का साउंड। अब इसमें कमियां क्या आती है, पहले तो डुअल डिस्क रहना चाहिए था इसके अंदर, बाकी मेरे को दूसरी चीज़ की कमी नहीं लगती, और मोबाइल कनेक्शन होता तो और अच्छा रहता, ये दो कमियां लगती हैं। बाकी आपको बाइक कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। 2023 और 2024 मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं दिया, सिर्फ E20 का स्टिकर तक सेम देखने को मिलता है आपको, कोई बदलाव नहीं किया गया इसके अंदर। सेम डिज़ाइन है, सेम इंजन है, और सेम परफॉर्मेंस है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N150 2024 मॉडल का डिटेल रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।